में फोर आइडेंटिकल रॉड्स इच ऑफ मास एम एंड लेंथ एल फ्रॉम अ स्क्वायर एज शोन इन फिगर द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ सिस्टम अबाउट डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज ठीक है ये स्क्वायर के डायगोनल के अबाउट आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्सिया सिस्टम का कितना होगा ओके okay? तो यहाँ पे देखिए आप चार रॉड दिया हुआ है एक रॉड तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस खुद के सेंटर के अबाउट और परपेंडिकुलर टू प्लेन मतलब इस रॉड परपेंडिकुलर यानी स्क्रीन के अंदर घुसता हुआ या स्क्रीन से बाहर की तरफ निकलता हुआ एरो के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्सी आता है एम एल स्क्वायर बाई एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व रॉड का आता है किनारे के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई थ्री आता है लेकिन रॉड के बीच वाले पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व आता है तो ऐसा ऐसा चार रॉड है तो चारों रॉड का ऐसे इससे इसके अबाउट हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई ट इसके अबाउट इसके अबाउट सबका एम एल स्क्वायर बाई ट्व होगा और इससे बीच वाले इसके डायगोनल का जो बाई सेक्टर है पॉइंट सेंटर उससे दूरी कितनी है तो ये एल लेंथ का रॉड है तो एल बाई टू दूरी है तो पैरल एक्सिस सुरम लगाएंगे तो एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व तो आया ही एक रॉड का उसके सेंटर के अबाउट लेकिन डायगोनल बाई सेक्टर जाने के लिए एल बाई टू और आगे निकलना है तो एम और एल बाई टू का स्क्वायर और करेंगे पैरल एक्सिस थ्योरम में तो यही लगाते हैं हम लोग कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख दीजिए मोमेंट ऑफ इनर्सिया और दूसरा मास इंटू नया वाला एक्सिस सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पर है उसका स्क्वायर एल बाई का स्क्वायर तो कुल मिला के ये आ गया एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व प्लस एम एल स्क्वायर बाई फोर एम एल स्क्वायर बाई फोर राइट अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ट्वेल्व एल सी एम लेंगे ट्वेल्व तो ये एम एल स्क्वायर एज इट इज रहेगा एम एल स्क्वायर प्लस ये फोर था तो थ्री मल्टीप्लाई होगा तो थ्री एम एल स्क्वायर थ्री एम एल स्क्वायर तो थ्री और वन फोर एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व आया फोर एम एल स्क्वायर बाई ट्व इससे ये कट गया तो थ्री आया तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री आया एम एल एक रॉड का एम एल स्क्वायर बाई थ्री था ऐसा ऐसा चार रॉड है तो फोर टाइम्स एम एल स्क्वायर बाई थ्री फोर टाइम्स एम एल स्क्वायर बाई थ्री मोवमेंट ऑफ इनर्सिया आ गया लेकिन ये सेंटर के परपेंडिकुलर वाले पॉइंट के अबाउट आया मतलब बाहर निकलता हुआ या स्क्रीन के अंदर घुसता हुआ लेकिन मुझे डायगोनल के अबाउट निकालना है तो ये डायगोनल और ये डायगोनल क्या है आइडेंटिकल है और आपस में नाइन्टी डिग्री पे है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर से आई तो दूसरे डायगोनल के अबाउट भी आई ही होगा तो फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो ये आई और ये आई कुल मिला के टू आई हो गया क्योंकि और आई एक्स और आई वाई इक्वल टू क्या होता है आई जेड होता है तो इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए और इसको वाई एक्सिस और दोनों आइडेंटिकल है इसलिए दोनों को टू आई और आई ही ले लिए यानी टू आई आया मोमेंट ऑफ तो इनसिया और इसके परपेंडिकुलर के अबाउट आया है फोर एम एल स्क् सो टू आई इक्वल टू फोर एम एल स्क् सो आई इक्वल टू ये टू इधर डिवाइड हो जाएगा तो टू से ये फोर कटेगा टू टाइम्स तो टू एम एल स्क्वायर बाई थ्री आंसर हो गया इस क्वेश्चन का सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू एम एल स्क्वायर बाई थ्री दैट मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट